हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का। तो इसके लिए हमने बॉइल्ड चिकन ले लिया है, ये बोनलेस चिकन है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया और नींबू ले लिया। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से डाल देंगे इसमें। और अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। देखिए हमने अच्छे से डाल दिया। अच्छे से डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा नाम के लिए। ये देखिए हमने अच्छे से डाल दिया इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे ये नींबू को अच्छे से, एक अखा नींबू को अच्छे से गार लेंगे चिकन में कि पूरा उसका जूस अच्छे से चल जाए। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, 4 बड़े चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हमारा तीसरा चम्मच हो गया, या अभी चौथा चम्मच डाल दें हम। देखिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हम चला दें, अभी चम्मच से चला रहे। अभी थोड़ा सा हाथ में पानी डाल के हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बॉइल चिकन है तो ये अच्छे से शेड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। ये देखिए ये कैसा हो गया, एकदम अच्छे से मैश हो गया। अभी गैस ऑन कर लेंगे हम। ये देखिए गैस ऑन करके हम इस पर तावा रख देंगे अच्छे से गर्म होने के लिए। तावा, तावे पे हम एक बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे। ये देखिए एक बड़ा चम्मच हम तेल डालने के बाद इसको अच्छे से फैला लेंगे तेल को, कि जब हम डालेंगे टिक्की तो सब जगह तेल अच्छे से प्रॉपर रहे। ये देखिए तेल गर्म हो गया है। अभी हम इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा लेके तेल में डालते जाएंगे। ये देखिए मस्त इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, कम ही तेल लगता है। ये देखिए हमने एक एक करके सब डाल देंगे। तो आपको कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर बताइए। बहुत इजी वे है बनाने का और बहुत टेस्टी लगता है, तो ज़रूर बनाइए एक बार, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये रेसिपी। ये देखिए हम डालते जा रहे हैं सारे इसी तरह से। ये देखिए हमने डाल दिया। तो आपको ज़रूर बनाइए, खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा हमारा रेसिपी। अभी इसको अच्छे से हम पूरा डाल देंगे। देखिए हम साइड साइड में कर दे रहे क्योंकि अच्छे से पक जाए, और हम डाल देंगे इसमें तावा भर के पूरा डाल देंगे। ये देखिए हम डाल दिए, अब एक साइड से गोल्डन हो गया है तो हम पलटी कर दे रहे इसको। इसी तरह से सारे को पलटी कर देंगे हम। हमें चम्मच और नाइफ लिया है पलटी करने के लिए। देखिए हमारा हो गया ये रेडी। हम इसको अभी निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए हम निकाल रहे, एकदम कुरकुर हुआ है, क्रिस्पी एकदम। देखिए हम निकाल रहे सारे को इसी तरह से। देखिए हमारा हो गया, और इसमें हम कुछ भी कलर नहीं डाले, नेचुरल कलर है हमारा। ये देखिए कितना क्रिस्पी, हम चम्मच से भी आपको करके दिखा दें। ये देखिए, तो ये देखिए हमने सर्व कर लिया है प्लेट में, और इसके साथ प्याज रख दिया है और नींबू रख दिया है। आप नींबू डाल के इसके ऊपर खाइए। ये देखिए एकदम अच्छे से कुक हो गया, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से सीख गया है। तो ज़रूर बनाइए, खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल आपको ज़रूर मिल जाएगा जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे।